हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी विल सॉल्व क्लास थर्ड सोशल स्टडीज़ वर्कशीट वीक 4, टॉपिक वेदर इन दिल्ली रेनी सीजन। आज हम क्लास थर्ड सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, वीक 4, टॉपिक वेदर इन दिल्ली रेनी सीजन। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, राइट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत लिखें। फर्स्ट, इन द रेनी सीजन द फ्रूट्स ऑफ द बेरीज बिगिन टू राइपन, बरसात में जामुन के फल पकने लगते हैं। ट्रू। सेकंड, फ्रॉग्स हाइड ड्यूरिंग रेनी डेज, मेंढक बरसात के दिनों में छुप जाते हैं। फॉल्स, तो यहाँ एफ लिखेंगे। थर्ड, लिटिल चिल्ड्रन लव द रेन, छोटे बच्चों को बारिश खूब भाती है। ट्रू। फोर्थ, द मॉइस्चर लेडन विंड फ्लोइंग फ्रॉम द सी टू द ग्राउंड इज कॉल्ड लू, समुद्र से जमीन की ओर बहने वाली नमी युक्त हवाओं को लू कहते हैं। फॉल्स। फिफ्थ, हैवी रेन समटाइम्स कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा बारिश कई बार जान माल का नुकसान कर देती है। ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, व्हाट इज द मानसून, मानसून किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, द मॉइस्टेंड एयर ब्लोइंग फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड मॉनसून। सेकंड, नेम द टू मंथ्स इन विच मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स इन दिल्ली, उन दो महीनों के नाम लिखिए जिनमें दिल्ली में ज़्यादातर बरसात होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे जुलाई एंड अगस्त। थर्ड, समटाइम्स 7 कलर्स आर विजिबल इन द स्काई, वॉट इज इट नोन एज, कभी कभी आकाश में 7 रंगों वाली सतरंगी छटा दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे रेनबो। क्वेश्चन 3 करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट, इन द रेनी सीजन ट्रीज एंड ऑल द बिल्डिंग्स लुक डैश, तो यहाँ लिखेंगे क्लीन, बरसात में पेड़ पौधे और सभी इमारतें क्लीन लगते हैं। सेकंड, ड्यू टू रेनी क्लाउड्स द सन इज डैश, तो यहाँ लिखेंगे हिडन, ड्यू टू रेनी क्लाउड्स द सन इज हिडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, पीकॉक्स स्टार्ट्स डैश ड्यूरिंग रेन, बारिश में मोर डैश लगते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डांसिंग, पीकॉक स्टार्ट डांसिंग ड्यूरिंग रेन। फोर्थ, द मॉनसून क्लाउड्स यूजुअली अराइव इन दिल्ली इन अर्ली डैश, तो यहाँ फिल करेंगे जुलाई, आमतौर पर जुलाई के शुरू में दिल्ली में मानसून के बादल आ जाते हैं। फिफ्थ, ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल द रिवर्स गेट्स डैश, तो यहाँ फिल करेंगे फ्लडेड, अधिक बारिश के कारण नदियों में फ्लड आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, चिल्ड्रन व्हाट डू यू डू इन द रेन, बच्चों आप बारिश में क्या करते हैं? राइट इन 3 सेंटेंसेस एंड ऑल्सो ड्रॉ एंड फिल योर फेवरेट कलर इन द पिक्चर ऑफ द रेनी सीजन, 3 वाक्यों में लिखकर बताइए तथा साथ ही बारिश के दिन के चित्र बनाकर अपने मनपसंद रंग भरिए। बच्चों आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में भी चित्र दिया हुआ है, इसके अलावा भी आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें कलर भर सकते हैं जो कि रेनी सीजन के ऊपर होनी चाहिए। अब आप 3 सेंटेंसेस में लिखेंगे, व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं? आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट, आई बैथ इन द रेन, मैं बारिश में नहाता हूँ। सेकंड, आई मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट इन द रेन वाटर, मैं एक कागज़ की नाव बनाकर उसे बारिश के पानी में चलाता हूँ। थर्ड, आई ईट हॉट पकौड़ाज मेड बाय माई मदर, मैं मम्मी से गर्मा गर्म पकौड़े बनवा कर खाता हूँ। तो बच्चों मैं इन 3 कार्यों को करता हूँ, आप कौन कौन से कार्य करते हैं आप भी लिखकर बताएंगे। और नीचे बारिश का चित्र दिया गया है, आप इस चित्र को बनाकर रंग भरेंगे या कोई भी अन्य चित्र बारिश का बनाकर उसमें रंग भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल ट्रैफिक रूल्स, जीवन कौशल यातायात के नियम। बींग अ गुड सिटीजन वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, इफ यस वाई, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर गिवन बिलो, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यदि हाँ तो बताइए क्यों।
और दिए गए चित्र को बनाकर उसमें रंग भरें। तो बच्चों, आपको बताना है कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं। अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप उसके बारे में बताएंगे कि क्यों। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बीइंग अ गुड सिटीजन वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक बिकॉज बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, नथिंग इज़ डन बाय ड्रीम्स ओनली, सक्सेस इज अचीव्ड थ्रू एफर्ट्स। कोटेड बी के शिवानी द्वारा क्या लिखा गया है, केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, प्रयासों से ही सफलता मिलती है। नथिंग इज़ डन बाय ड्रीम्स ओनली, सक्सेस इज अचीव्ड थ्रू एफर्ट्स। अब यहाँ ग्रीन कलर्स थीम दी गई है। ग्रीन कलर थीम में ईट एनी ग्रीन कलर फूड लाइक पियर, ककड़ी, खीरा और एनी अदर। हरे रंग का कोई भी भोजन जैसे नाशपाती, ककड़ी, खीरा, कोई अन्य पदार्थ खाएं। गेम में कार्ड, सिप रमी, माइनस, बाजार, चटाई एक्सेट्रा, प्ले विद योर फैमिली। एक्टिविटी ऑफ द डे में कलेक्ट एनी 5 डिफरेंट लीव्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द प्लांट। गतिविधि में किन्हीं 5 अलग अलग पत्तों को इकट्ठा करें और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाएं, पौधे का नाम भी लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या दी गई है। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो यहाँ कुछ डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या में शामिल करने वाली अच्छी आदतें हैं, गुड हैबिट्स हैं। आप इनको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। कौन कौन सी हैं, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इन बातों को आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।